हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं दिव्या शर्मा। कई बार आपने अपने अंदर एक चीज़ महसूस की होगी कि आपको बॉडी में पेन रहता है, नसों में दर्द रहता है, आपको उठने बैठने में तकलीफ होती है, मांसपेशियों में दर्द रहता है और आपको ऐसे महसूस होने लगता है कि आपके अंदर कोई बहुत बड़ी बीमारी हो चुकी है। लेकिन जब आप चेकअप करवाते हैं तो पता चलता है कि ये कोई बीमारी नहीं है, बल्कि आपके शरीर के अंदर कोई पर्टिकुलर विटामिन या मिनरल की कमी है। तो आज मैं आपको बताने जा रही हूँ कि अगर आपके हाथ पैर सुन्न होते हैं, सोते हैं, उनमें झनझनाहट रहती है या फिर आपकी हड्डियों में दर्द रहता है, इसके अलावा अगर आपकी मांसपेशियों में दर्द रहता है, आपको बहुत ज़्यादा थकावट रहती है, आपकी याददाश्त कमज़ोर हो रही है, आपकी आँखों की रोशनी कमज़ोर पड़ रही है या फिर आपका सिर दर्द रहता है, तो आपके अंदर कौन से विटामिन्स की कमी से ऐसा होता है। नसों से होने वाली जितनी भी समस्याएं हैं, चाहे तो नस का मुड़ना हो, कुछ लोग ऐसे हैं जिनकी पिंडलियों के अंदर यानी टांगों के अंदर नसों में दर्द रहता है, नसें मुड़ जाती हैं, ये दर्द रात को ज़्यादा होता है, या फिर आपकी नसों में ब्लॉकेज आ रही है यानी कि नसों से होने वाली, यानी कि अगर आपके अंदर न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर हो रहा है तो आपके अंदर विटामिन B12 की कमी है। इसके अलावा अगर आपकी मांसपेशियों में बहुत दर्द रहता है, आपकी हड्डियों में बहुत दर्द रहता है, आपकी हड्डियाँ बहुत कमज़ोर पड़ रही हैं, तो आपके अंदर विटामिन D3 की कमी है। तो आज मैं आपको बताने जा रही हूँ कि हम इन दोनों विटामिन्स की कमी को कैसे पूरा कर सकते हैं। इसके अलावा ये दोनों विटामिन्स की कमी आखिर होती क्यों है। तो सबसे पहले जानते हैं विटामिन D3 के बारे में। विटामिन D3 का सबसे बड़ा काम है हमारी हड्डियों की हेल्थ को बरकरार रखना। अगर हमारे शरीर में विटामिन D3 पूरा होगा तो जितना भी हम कैल्शियम लेंगे वो उस कैल्शियम को हमारी हड्डियों को पहुंचा देगा। इसका रिजल्ट क्या होगा, हमारी हड्डियां मजबूत बनेंगी। और दूसरी तरफ अगर हमारे अंदर विटामिन D3 की कमी हो जाएगी तो बच्चों के अंदर रेक्टस एक ऐसी बीमारी है जिससे बच्चों की हड्डियां टेढ़ी हो जाती हैं, बच्चों के अंदर ये रोग हो जाता है। और बड़ों के अंदर अगर विटामिन D3 की कमी हो जाए तो उनकी हड्डियां बहुत जल्दी टूटने लगती हैं। तो अब मैं आपको बताने जा रही हूं कि शरीर में विटामिन D3 की कमी क्यों होती है। सबसे पहला कारण है लेक ऑफ सनलाइट, यानी कि हम सूरज की रोशनी बिल्कुल नहीं लेते। इसके अलावा दूसरा है जिनकी किडनी में कोई भी इश्यू होता है जिसके कारण किडनी विटामिन D को एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट नहीं कर पाती, यानी कि हमारी बॉडी को हम विटामिन D खा भी रहे हैं तब भी हमारी बॉडी को विटामिन D नहीं मिल पाता। और लास्ट में कुछ लोग ऐसे हैं जिनकी आंतों की कार्य क्षमता यानी कि पेट में कुछ ऐसी गड़बड़ी रहती है, या फिर तो बहुत ज़्यादा लूज मोशन लगे रहते हैं, या फिर ज़्यादा लंबे टाइम से कब्ज यानी कॉन्स्टिपेशन की समस्या रहती है, तो उनके अंदर भी विटामिन D3 की कमी हो जाती है। अब मैं आपको बताने जा रही हूँ विटामिन D3 की कमी को हमने कैसे पूरा करना है। लेकिन बात करते हैं विटामिन B12 के बारे में। विटामिन B12 का काम है हमारे शरीर में एनर्जी को पैदा करना, रेड ब्लड सेल्स को मेंटेन रखना। बॉडी के अंदर जेनेटिक मटेरियल को बनाने के लिए विटामिन B12 बहुत ज़रूरी है। विटामिन B12 फॉलिक एसिड की मदद से हमारी बॉडी में रेड ब्लड सेल्स को बनाने में मदद करता है। इसके अलावा याददाश्त को तेज बनाने के लिए, माइंड को शार्प करने के लिए हमारे अंदर विटामिन B12 होना बहुत ज़रूरी है। और सबसे बड़ी बात, नसों से संबंधित कोई समस्या नहीं हो, नसों की ब्लॉकेज, अगर आपकी नसें मुड़ती हैं, दर्द करती हैं, अगर आपकी मांसपेशियां दर्द करती हैं, तो आपके अंदर विटामिन B12 की कमी है। तो अब मैं आपको बताने जा रही हूँ कि विटामिन B12 की कमी हमारे शरीर में क्यों होती है। सबसे पहला काम, जो लोग ज़्यादा अल्कोहल का सेवन करते हैं। दूसरा, कुछ लोग ऐसे हैं ज़्यादा एंटीबायोटिक दवाइयों का सेवन करते हैं। और तीसरा और एंड में है, अगर आप सिर्फ वेजिटेरियन डाइट ले रहे हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा अमाउंट के अंदर विटामिन B12 नॉनवेज में होता है, फिश में, एग में, रेड मीट में, चिकन में विटामिन B12 भरपूर मात्रा में होता है। लेकिन अगर अकेला आप वेजिटेरियन डाइट लेते हैं तो आपके अंदर विटामिन B12 की कमी हो सकती है, आपकी याददाश्त
धीरे धीरे कमजोर जल्दी पड़ सकती है। इसके अलावा आपको नसों से संबंधित समस्याएं ज्यादा फेस करने को मिल सकती हैं। आपके अंदर खून की कमी ज्यादातर रह सकती है। लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि सभी वेजिटेरियन डाइट लेने वाले लोगों में खून की कमी होती है या विटामिन B12 की कमी होती है, क्योंकि विटामिन B12 वेजिटेरियन डाइट में भी होता है, लेकिन वो पर्टिकुलर कुछ चीज़ों में होता है। तो इस वीडियो में मैं आपको ज़रूर बताऊंगी कि कौन सी चीज़ें आपने खानी हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताने जा रही हूँ कि हम अपनी बॉडी के अंदर विटामिन D3 कैसे लें। सबसे अच्छा और सबसे सस्ता साधन है और सब लोगों को मालूम है, सूरज की धूप लेनी है। लेकिन अगर आप अपनी बॉडी पर ऑयल लगाकर यानी तेल लगाकर धूप के आगे बैठते हैं तो आपकी बॉडी में विटामिन D3 ज़्यादा जाएगा। इसके अलावा विटामिन D3 लेने के लिए कुछ वेजिटेरियन डाइट है, जैसे कि दूध से बनी जितनी भी चीज़ें आती हैं वो दूध, दही, पनीर। इसके अलावा मशरूम में भी अच्छी मात्रा में विटामिन डी होता है। ऑरेंज, इसमें भी अच्छी मात्रा में विटामिन डी होता है। इसके अलावा अगर आपके अंदर विटामिन D3 की कमी फिर भी पूरी नहीं हो सकती और अगर आप वेजिटेरियन डाइट ही ले रहे हैं तो आपको क्या करना है, अपने फैमिली डॉक्टर से मिलकर विटामिन D3 की मेडिसिन यानी सप्लीमेंट लीजिए। तो अब मैं आपको बताने जा रहे हैं दूसरे विटामिन के बारे में, यानी विटामिन B12 के बारे में। विटामिन B12 एक वाटर सोलेबल है, यानी कि आपको इसको रोज का रोज लेना होगा, नहीं तो इसकी कमी शरीर में होना लाजमी है। तो इसके लिए अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो आपके अंदर विटामिन B12 की कमी नहीं हो सकती, लेकिन अगर आप वेज खाते हैं, वेजिटेरियन डाइट लेते हैं तो आपके अंदर इसकी कमी हो सकती है। लेकिन आपको मैं कुछ ऐसी डाइट बता रही हूँ जो वेजिटेरियन है लेकिन आप खा सकते हैं। जैसे कि नॉनवेज डाइट में आता है अंडा है, चिकन है, मीट है, यानी कि एनिमल फूड्स आते हैं। तो एनिमल फूड्स में ही आता है दूध और दूध से बनी जितनी भी चीज़ें हैं। जो जैन धर्म के लोग होते हैं ना, या फिर जो बिल्कुल वेजिटेरियन डाइट पर होते हैं, वेगन होते हैं, वो दूध भी नहीं लेते, क्योंकि उनका ये मानना है कि हम बिल्कुल वेगन हैं, वेजिटेरियन हैं, तो दूध भी नॉनवेज में आता है क्योंकि वो भी हमें एनिमल से मिलता है, तो वो दूध का सेवन भी नहीं करते। लेकिन जो नॉर्मल वेजिटेरियन है यानी दूध पी लेते हैं, तो आपको रोजाना कम से कम 250 ml दूध ज़रूर पीना चाहिए। इसके अलावा दूसरी चीज़ है स्प्राउट, यानी अंकुरित अनाज। जब कोई भी अनाज अंकुरित हो गया, उसके स्प्राउट निकल गए, तो उसके अंदर विटामिन B12 बहुत ही अच्छी मात्रा में हो गया। तो आज इस वीडियो में मैंने आपको बताया कि अगर आपके हाथ पैर सोते हैं, सुन पड़ते हैं, आपकी मांसपेशियों में दर्द रहता है, आपकी याददाश्त कमजोर पड़ रही है, आपके अंदर खून की कमी है, या फिर आप बहुत ज़्यादा थकान फील करते हैं, आपकी हड्डियाँ कमजोर हैं, आपके बच्चों की हड्डियाँ कमजोर हैं, तो आप अपने बच्चों को, अपनी फैमिली को विटामिन B12 और विटामिन D3 ज़रूर चेक करवाइए, ताकि इसकी कमी को पूरा किया जा सके और ये डाइट को ज़रूर फॉलो करें। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो आप इसे लाइक ज़रूर करिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हेल्दी, ऑलवेज बी हैप्पी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। ओके, बाय।